प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेक्स्ट। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी का। तो ये वीडियो काफी एंटरटेनिंग, काफी इंटरेस्टिंग और दमदार होगी, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। ये चीजें लोगों को समझ आए कि दीन भी सीखे और दुनिया की तालीम की तरफ आए। मदरसा एकदम से बैन किया, ये थोड़ा शॉकिंग था, लेकिन अगर पब्लिक इसको समझेगी मुसलमान। और दूसरी बात, मैं अपनी ये राय दूं, क्योंकि मैं रोड शो करती हूँ, पाकिस्तान का मुसलमान मर्द ये चाहता है कि औरत बुरखे में रहे और घर में रहे। उसका कोई काम नहीं है कि वो पढ़े, वो यूनिवर्सिटी जाए, वो एंकर बने, वो रोड शो करे, वो शॉपिंग पे जाए, वो ग्रोसरी करे। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए उन्हें। उन्हें चाहिए कि आपकी जो औरत है वो घर पे रहे, भूखे में रहे, उसके आप 100 को देखे लेकिन आपकी वाली को कोई ना देखे। और ये जो एक पता नहीं सोच है, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से इंडिया और पाकिस्तान में आई। टर्की भी तो एक इस्लामिक कंट्रीज है, वो देखे कितना ज्यादा मॉडर्न है। इसके बाद आप सऊदी अरब देखे, आप UAE देख रहे, क्या वहां और यहाँ के इस्लाम में क्या फर्क है? वहां मौलाना सिस्टम नहीं है, यहाँ पर गली गली मौलाना है। और ये कुछ तो इतने ढोंगी मौलाना है कि बंदा कहते हैं कि यार मैं बस इसको अगर मैं 2 लफ्ज भी सिखा दूंगा ना, तो मुझे लगता है मेरे इस जन्म का जो है वो मकसद पूरा हो गया। लेकिन अच्छा, एक क्रिश्चियन ट्रैप नहीं होगा, एक हिंदू ट्रैप नहीं होगा, लेकिन एक मुसलमान जिसके पास कुरान है, जिसके पास हदीस है, जिसके पास तुरंत ट्रैप हो जाता है। एक बंदा तस्बीह करके शुक्र करेगा ना, अगले दिन वो आपका मुरीद आपको घी भी देगा, भैंस भी देगा, बेटी भी देगा, घर भी देगा, कलीजे भी देगी। अरे यार ये शुभ शुभ हमें भी सिखा दो, हम ऐसे ही रोड पे जा रहे हैं, किसी को दम करेंगे भला अगर नाज़िया के साथ शो कर रही हूँ 30 मिनट का, मैंने इससे पहले टॉपिक भी पढ़ा, डिस्कशन भी की, नाज़िया जी से टाइम भी लिया, फिर अपना इंटरनेट भी इस्तेमाल किया, दिमाग भी, अगर मैं तस्बीह करके शू कर दूं और मुझे पैसा भी मिले, गाड़ी भी मिले, बंगला भी मिले, आप खुद बताएं दोनों में से कौन सी जॉब इजी है? वो शू करने वाली। पर हमें कोई नहीं देगा, हमें कोई अपना बेटा नहीं देगा। Oh my God. अब लोगों ने अब इतने मुरीद बनाया, मैं यकीन करें, अब मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि नाज़िया जी जिनके पास एक कमरा था, उन्होंने शुभ शुभ करना शुरू किया, आज बंगला भी है, डेढ़ डेढ़ दो दो करोड़ की गाड़ी, घर में 5-5 नौकर है। और इतनी सुनो, मैं तुमको बस एक इंसिडेंट बताती हूँ, उसके बाद में फिनिश करूंगी। पर मैं दिल्ली से बॉम्बे की फ्लाइट ली और मेरी फ्लाइट जो थी वो विस्तारा थी, और मेरा सीट नंबर 6A या 6D था, दो में से कोई एक था, 6 ही था। तो मेरी आंखें जो टिकी हुई थी ना, वो इमाम बुखारी साहब पर थी। इमाम बुखारी कौन है? इमाम बुखारी दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम है। उनका एक लौता बेटा है जिसने सनातनी हिंदू लड़की से शादी की है, ठीक है, और उस हिंदू लड़की ने अपने खून से सींच करके 2 बेटा भी पैदा किया है, जो आने वाले वक्त में हमारा इमाम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब इमाम बुखारी साहब फ्लाइट पर चढ़े और मैंने उनको एयरपोर्ट पे ही देख लिया था, तो अब मेरी नियत गड़ी हुई थी कि इमाम बुखारी साहब बैठेंगे किस पर, इकोनॉमी में मेरे साथ बैठेंगे या कहीं और बैठेंगे। और इमाम बुखारी साहब आए और सीधा बिजनेस क्लास में बैठ गए। ठीक है, तो मेरे बगल में एक व्यक्ति था, बेचारा सेल्फी वगैरह भी लिया मेरे साथ और कहा, नाज़िया जी आज समझ में कुछ आया आपको? मैंने कहा क्या बोलना चाह रहे हैं आप? तो कह रहा, अब आपको समझ में आया कि मुसलमान लड़के इन मुल्लाओं की बात क्यों सुनते हैं? वकील बन के आपकी तरह इकोनॉमी में बैठेगा और मुल्ला बन करके और मुल्ला के साथ रह करके बिजनेस क्लास में बैठेगा, अभी आपको समझ पा रही है? मैंने कहा हाँ भैया, आप समझाए तो बहुत अच्छा है मुझे। ये शो अगर अचानक से उस व्यक्ति के पास अगर गया
तो डेफिनेटली वो कमेंट करेंगे कि ये मेरे साथ ही हुआ था और मैंने ही नाजिया जी को ये बात बोली। मैं यकीन करें किसी को बुरा लगे ना लगे, अगर आप रातों रात अमीर होना चाहते हैं, आप एक तस्बीह पढ़ के तीन साल के अंदर कम से कम आप 11 से 12 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बना ले। एकदम 110% हमारे भारत में भी एक एक ये पीर साहब है, हालांकि देखो हमारे कुरान में पीर वीर कुछ नहीं होता, धर्म गुरु कुछ नहीं होता, पीर नहीं है सऊदी अरब में, कोई नहीं है, नहीं कुरान में ही नहीं है भाई। तो सऊदी अरब तो पक्का मुसलमान है ना, कट्टर मुसलमान है वो, कट्टर कुरान पर चलता है। पर यहाँ पर एक ताहा सिद्दीकी है, शाला तुम यकीन नहीं करोगे, एक बार बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आप चले जाइए मिलने के लिए, आपका पॉलिटिकल भी रहता है तो सरा धर्म गुरु वगैरह से मिलना चाहिए आपको। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैं गई, मैं गाड़ी से उतर नहीं पाई क्योंकि जब वो सफेद लुंगी पहन करके सामने से आ रहा था तो उसने अंदर चड्डी नहीं पहनी हुई थी और वो धूप से चला आ रहा था, तो मतलब अच्छी बात है ना, हवा वो लग रही थी आपको तो मैंने कहा मैं नहीं मिल पाऊंगी, पर मैंने नजरें नीची कर करके सलाम वलाम किया और उसके बाद फिर मैं बोली भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। और खुदा की कसम शैला, तुम फुरफुरा शरीफ तुम निकालना गूगल पर, निकल जाएगा, अरबों खरबों की संपत्ति, अरबों खरबों की संपत्ति। उसकी बेटी ताहा सिद्दीकी की बेटी, पश्चिम बंगाल का ही है वो, ताहा सिद्दीकी की बेटी क्वेस्ट मॉल में जिमी चू और बर्बेरी ऐसे खरीदती है कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते, हम सपने में भी नहीं सोच सकते, वो ऐसे खरीदती है। तो दिस इज फैक्ट कि ये इस्लाम के जितने भी ठेकेदार हैं उन्होंने इस्लाम को अपना धंधा, अपना कारोबार, अपना लैविश लाइफ का जरिया बना करके रखा है। तो ये खत्म होना चाहिए। मैं तो उस दिन नफिल रोजा रखूंगी जिस दिन सारे मुल्ला मौलवी नौकरी के लाइन में खड़े हैं। एक वीडियो पे रिएक्शन भी दिया था, उसमें मैंने आपकी ये बात उठा के अपने दोस्तों को भी बताई और ऑडियंस को भी कि नाजिया जी ने कितनी अच्छी बात की कि किसी मौलाना की फैक्ट्री नहीं है, इसके पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन इसके पास प्रॉपर्टी अरबों रुपए की, बिलियन रुपए की। भाई करता क्या है कोई इनसे पूछे तो सही। हाँ पूछना चाहिए ना। हाँ और हमें तो सबसे पहले पूछना चाहिए क्योंकि हमें वो कभी तलते हुए कढ़ाई में डालता है जहन्नुम में, कभी हमें पकोड़ा बनाता है, कभी हमें हमें पापड़ी बना देता है, कभी हमें चिप्स मार पड़वाता है, क्योंकि हमें इतना डरा दिया है, इतना डरा दिया कि हम तेल में तले जाएंगे, अजदहा हमारे गले में घूमेगा। अरे भाई क्यों घूमेगा? इस्लाम का मजाक, इस्लाम को कारोबार, इस्लाम को अपनी कमाई का जरिया, इस आयतों को बेचना, ये सब तो मौलवी मुल्ला करते हैं। 501 रुपए पर आयत बेचते हैं भाई, सूरह फातिहा बेचते हैं। जब भी कोई मुसलमानों का फेस्टिवल होता है अलमदो शरीफ पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, 501 रुपए और 5 लड्डू भी ले लेते हैं। तो ये आयतों को बेचने का काम तो मौलवी मुल्लाओं को है, का है। इस्लाम को, इस्लाम को बाजार बनाने का काम, धंधा बनाने का काम, कारोबार बनाने का काम तो मौलवी मुल्लाओं का है। हम और आप तो बहुत अच्छे मुसलमान है, हम और आप तो बहुत अच्छे मुसलमान है कि हमने कभी भी अपने इस्लाम से चवन्नी नहीं कमाई है, हमने अपने एडुकेशन से पैसा कमाया है, अपने इस्लाम से को बेच करके हमने चवन्नी नहीं कमाई है। सही बात है, ये एक बड़ी फैक्ट की बात आपने कही है। और अब ये मुसलमानों को सोचना चाहिए कि उन्हें किस तरफ जाना है। लेकिन खैर ये बात हमने तो फनी वे में की है, लेकिन ये फैक्ट है कि ये सब हो रहा है। मैं एक और आखिरी बात कहूंगी क्योंकि मौलाना की बातें शुरू हो गई है। एक मौलाना 3 लाख रुपया लेके मिलाद पे आया और नाल पड़ा मदीने बुला रोई जा रहा है, हम गुनाहगारों को मदीने बुला गरीबों को। एक पास बंदा बैठा, यार 1.5 लाख रुपए का टिकट है उम्रे का, तू 3 लाख लेके रो रहा है मुझे मदीने जाना है। गरीब बंदा रोए तो समझ आती है उसके पास पैसे नहीं है, तू तो इस मिलाद के 3 लाख रुपया ले रहा है। मतलब कहने हाथी के दांत दिखाने की ओर और कहती है खाने की ओर है। लेकिन इसीलिए शैला ये मौलाना चाहते हैं कि मदरसा रहे, चाहते हैं कि जाहिल मुसलमान रहे, चाहते हैं कि जाहिल मुसलमानों का एक बड़े मेजोरिटी इनके मुट्ठी में रहे, क्योंकि तभी तो इनका रोटी रोजी चल रहा है ना। सारे मुसलमान शिक्षित हो जाएंगे तो फिर इनको इज्जत देगा कौन और इनकी कमाई होगी कैसे? फिर तो इनको काम करना पड़ेगा, हमारी तरह सुबह में 8 बजे उठ करके रेडी होना पड़ेगा और काम करने के लिए जाना पड़ेगा। और शुभ शुभ से कुछ होगा भी नहीं। हाँ शुभ शुभ से कुछ होने वाला नहीं है, करने से कुछ नहीं होने वाला है, तो इसीलिए ये डर रहे हैं। और दोस्तों ये मैं आज की वीडियो आपकी क्या रिकमेंड स्पेशल प्रोग्राम में बॉम्ब में आ रहे हैं।
नमस्कार, भारत माता की जय। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और मजेदार अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने इन मजहब के ठेकेदारों की तो पोल खोली पर आपको रातों रात अमीर होने का फॉर्मूला भी बता दिया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।